Good afternoon students, I am Bhavna, your math teacher. Today we will continue our chapter number 9. तो कल तो देखो मैंने आपको टाइम के बारे में बताया था, अच्छे से मैंने क्लॉक बनाकर समझाया था कि किस तरीके से टाइम हम जो है वो देखेंगे, हाफ पास्ट कितना होता है, क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, ओ क्लॉक, वो सबके सब जो था वो कल आपको बताया गया था. तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपको बताने हैं. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर दिया है ओ क्लॉक के लिए मैंने बताया था, जब भी आपके मिनट्स हैंड है वो 12 पर होगी तो ओ क्लॉक ही टाइम होगा. ठीक है, आर हैंड हमारी 3 पर है, एक्यूरेट टाइम बताएगा 3 ओ क्लॉक. ओके, ये हो जाएगा 1 ओ क्लॉक, ये हो जाएगा 11 ओ क्लॉक, क्योंकि 11 एक्यूरेटली दे रखी है आर हैंड और 12 पर तो हमारी जो मिनट्स हैंड है वो शो हो रही है. ये हो जाएगा 12 ओ क्लॉक. अब ये कितना होगा, आर हैंड हमारी 2 पर है, मिनट्स हैंड हमारी 12 पर है तो 2 ओ क्लॉक. ओके, आर हैंड हमारी 4 पर है, मिनट्स हैंड हमारी 12 पर है तो 4 ओ क्लॉक. ऐसे ही 10 ओ क्लॉक, ये हो जाएगा हमारा 6 ओ क्लॉक. फिर है ड्रो हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी करके दिए हुए हैं. जैसे देखो 5 ओ क्लॉक हमें बोला था कि हमें 5 ओ क्लॉक जो है वो शो कर रहा है, तो 5 पर हम आर हैंड ड्रॉ करेंगे, मिनट्स हैंड हमारी जो है वो 12 पर हो जाएगी क्योंकि ओ क्लॉक एक्यूरेट टाइम दे रखा है. 7 ओ क्लॉक, ऐसे ही जो हमारी आर हैंड है वो 7 पर और मिनट्स हैंड है वो हमारी 12 पर रहेगी. फिर दे रखा है 9 ओ क्लॉक, 9 पर क्या है हमारी जो आर हैंड है हमारी 9 पर होगी और मिनट्स हैंड हमारी 12 पर होगी तो ये हो जाएगा 9 ओ क्लॉक. तो इसी तरीके से आप भी इसे बुक में अच्छे से फिल करेंगे. ठीक है, जो हैंड्स बनानी है उसे आप मेंशन करोगे. यहाँ पे हाफ पास का भी टाइम बताया था, हाफ पास में क्या होगा कि जो हमारी मिनट्स हैंड होगी वो 6 पर होगी, आर हैंड हमारी 3 या 4 के बीच में, यानी बिटवीन में होगी, 4-5 के बीच में, 5-6 की यानी बीच में देखने को मिलेगी. ओके, जैसे ही हो रहा है 10:30, वी कैन राइट 10:30 एज वेल एज हाफ पास्ट 10. ओके, ऐसे देखो इधर दे रखा है 7:30, हम इसे 7:30 भी लिख सकते हैं और हाफ पास 7 भी लिख सकते हैं. ओके, ऐसे देखो जैसे हमें यहाँ पर शो करके दिया, राइट डाउन द टाइम शोन बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स. यहाँ पर क्लॉक्स बनाकर दी है, टाइम देखो मैंने मेंशन किया हुआ है ये कितना है हाफ पास, क्योंकि हमारी जो मिनट्स हैंड है वो 6 पर है और जो हमारी आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है तो हाफ पास 3 और वी कैन राइट 3:30. सेम ऐसे ही हाफ पास 6 और 6:30, हाफ पास्ट 8:30. ओके, तो इसी तरीके से आप भी जो है टाइम को यहाँ पर प्रेजेंट करोगे. फिर है बी लुक एट द टाइम बिलो ईच क्लॉक एंड ड्रॉ द हैंड्स अकॉर्डिंगली. हमें टाइम दे रखा है, हमें हैंड्स ड्रॉ करनी है. हाफ पास्ट 5:30 दे रखा है, हाफ पास्ट, जहाँ भी हाफ पास्ट आएगा यानी मिनट्स हैंड हमारी 6 पर होगी और क्या है 5 दे रखा है तो 5 और 6 के बीच में होगी हमारी आर हैंड. ओके, फिर है हाफ पास्ट 9 और 9:30 जो मिनट्स हैंड होगी वो हमारी 6 पर होगी, हाफ पास्ट 9 है तो 9 और 10 के बीच में हमारी आर हैंड आ जाएगी. तो इसी तरीके से ये जो है आपको अपनी बुक में फिल करना है. और एक और काम, अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो आपके घर में जो क्लॉक होती है ना उसे ले लेना और उसमें जो हैंड्स वगैरह दे रखे हैं ना उसको घुमा घुमा के देखना. अच्छा मैंने मिनट्स हैंड को यहाँ पर रखा, आर हैंड को यहाँ पर रखा तो अब बताओ टाइम कितना होगा. अच्छा अब मैंने मिनट्स हैंड को 12 पर रख दिया, आर हैंड को मैंने 4 पर रखा तो अब टाइम कितना होगा. तो इस तरीके से क्या आप टाइम को ईजिली देखना सीख जाओगे अगर आप प्रैक्टिकली भी इसे करके देखोगे तो. ओके, और 14th February से आपके स्कूल रीओपन है, सभी स्टूडेंट्स टाइम से स्कूल में आएंगे प्रॉपर यूनिफॉर्म में, काम सभी का कम्प्लीट होना चाहिए. ओके, थैंक यू.